Good morning, my dear friends. I hope that you all are doing good. I'm Kumar Supraveen and I welcome you all on this KS Educational Hub. आज हम सब एक मेमोरी बेस्ड पजल पे हैं जो आपके आरआरबी पीओ में पूछा गया था और यह ब्लड रिलेशन पे बेस्ड है. तो आप सब बिल्कुल इसे पहले खुद से कोशिश कीजिए और मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत जल्दी इसे बना भी लेंगे, राइट? चलिए डायरेक्टली मूव करते हैं और देखते हैं कैसे इस पजल को सॉल्व करना चाहिए. देखिए, आपके पास एल टी यू पी के एन एस जेड, ये कुछ 8 फैमिली मेंबर्स हैं और ये 8 फैमिली मेंबर्स एक टेबल में आपका एक टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं और टोटल 3 जेनरेशन आपका दिया हुआ है और इसमें टोटल क्या बोला गया, आपके पास 3 कपल्स होगा अमंग देम, राइट? और ये जो आपका टेबल है ये एक हेप्टागोनल टेबल है, मतलब आपके टोटल 7 फेस होने वाले हैं इसमें, राइट? और सभी के सभी आपके सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं. तो ये आपका इंफॉर्मेशन का, और सभी को ये कुछ डिफरेंट चॉकलेट्स लाइक कर रहे हैं, राइट? क्लियर हो गया यहां तक? अब देखिए, आपके पास जो इंफॉर्मेशन बताया जा रहा है कि बट वन ऑफ द मेंबर अमंग देम डज नॉट सिट अराउंड द हेप्टागोनल टेबल, मतलब देखिए टोटल आपके पास 8 फैमिली मेंबर्स बताया जा रहा है, लेकिन उसमें भी आपको क्या बताया जा रहा है कि एक ऐसा कोई मेंबर होगा जो उस टेबल में नहीं बैठेगा. ऑब्वियसली बात है कि अगर टोटल 8 है, आपके पास 7 ही फेस हो रहा है टेबल पे, तो एक आपका नहीं बैठेगा और वह जो नहीं बैठेगा उस फैमिली मेंबर को आपको अलग से लिखना पड़ेगा. अब देखिए, द नंबर ऑफ द मेंबर्स बिटवीन एल एंड द जेड फादर काउंटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एल, मतलब क्या बोला गया आपके पास, देखिए जेड फादर, पहली बात कि L से लेकर L और किसके बीच में, Z के फादर के बीच में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है? और इसमें आपको मेंशन है क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और बताया गया है फिर आपको इसमें Z फादर काउंटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम L, L से ही आपको काउंट करने के लिए बोला गया है. अच्छा, अब देखिए रिलेशन आपको क्या पता चला, जो ब्लड रिलेशन दिया हुआ है कि जेड का कोई फादर होना है, मतलब देखिए जेड का आपका जो भी स्पेस बनेगा उसके ऊपर आपके उसके एक फादर होंगे, ठीक है? ये आपको ब्लड रिलेशन का पहला पॉइंट मिला. अब यहां पर आपको एक और चीज मेंशन था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्यों ना हम इसको मेंशन कर दें, बिल्कुल. अब देखिए आगे आपको बोला जा रहा है is equal to the number of the members between L and the one who like candy counting in the anti-clockwise direction from L. उसी L के पोजीशन से जब अब हम सब anti-clockwise direction पे काउंट करेंगे और किसके पास, जो आपके मेंबर हैं और जो कैंडी लाइक कर रहे हैं, मतलब कैंडी अब अगर आप मेंशन कर दें, और यहां पर एक छोटी सी और चीज, anti-clockwise direction आपको मेंशन कर देना है, ठीक है ना? ये क्लियर हो गया. अब देखिए इन दोनों के बीच में जो नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे वो सेम होंगे, आपने इसको हिंट्स के रूप में लिख लिया. आगे प्रोसीड कीजिए. देखिए पी सन टू द इमीडिएट राइट ऑफ द के, मतलब एक रिलेशन आपको और पता चला क्या, कि पी का आपको सन होगा, ठीक है? पी सन इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द के हु लाइक कैंडी चॉकलेट. अब आपको यहां एल और कैंडी चॉकलेट में इंफॉर्मेशन था, अब क्यों ना आप इसको मेंशन कर दीजिए कि जो पर्सन के आपका है वही आपका कैंडी चॉकलेट लाइक कर रहा है. अब एक और चीज है रिलेशन यहां पर से, कि जो के है पर्सन उसके सेकेंड राइट में, इमीडिएट राइट में बताया गया है ना, सॉरी, पी सन टू द इमीडिएट राइट ऑफ द के, मतलब क्या के इमीडिएट राइट में आपका पी का सन हो जाएगा. इमीडिएट राइट की बात बोली गई है, पी सन आप इसको मेंशन कर दीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो. कैंडी चॉकलेट, ये तो क्लियर हो गया. टी एंड एल आर वाइफ एंड हस्बैंड रिस्पेक्टिवली, मतलब एक कपल की, टोटल 3 कपल आपको बोला गया था, एक कपल आपको पता चल गया कौन है, टी और वाइफ, टी और क्या बोला गया था, लेट मी सी, टी एंड एल आर द वाइफ एंड हस्बैंड, मतलब क्या हो गया, टी आपका वाइफ हो गया और उसी प्लेस पे आपका एल जो है वह हस्बैंड हो गया. ये आपको बोला गया, एक कपल आपको यहां से पता चल रहा है, आर वाइफ एंड हस्बैंड रिस्पेक्टिवली. पी एंड एन आर एडजेसेंट टू द एल, कहीं ना कहीं क्या एडजेसेंट होगा, जैसे आपके माइंड में ये बात या आपने ये स्टेप्स को देखा, आपको क्लिक कर लिया कि हाँ बिल्कुल मुझे इनिशिएट कर लेना चाहिए, तो क्यों ना आप एक हेप्टागोनल टेबल बना लें, राइट? अगर एक हेप्टागोनल टेबल हम सब बनाते हैं, मतलब क्या 7 फेस आपको करने होगा. अब देखिए 7 फेस के साथ
थोड़ा फिगर हमारा खराब है, बिल्कुल आप सब इसको मेंशन ना कीजिएगा। ये हो गया आपका टोटल, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 फेस हो गए आपके पास, ये एक 7 फेस हो गया। अब जैसे आपको ये बोला गया कि P और N एडजेसेंट होने वाले हैं L के पोजीशन, तो क्यों ना L का पोजीशन ये होना चाहिए और बाकी रेस्ट आपका P और आपका क्या बोला गया N, तो P और N दोनों में से कोई भी इस जगह पर होगा। लेट मी सी आगे कि क्या होना चाहिए, ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए, द पर्सन हु लाइक किट कैट चॉकलेट इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द टीज फादर। इसमें जो आपको रिलेशन दिया हुआ क्या बोला जा रहा है कि द पर्सन हु लाइक किट कैट चॉकलेट इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी फादर। पहला तो आपको एक रिलेशन पता चला कि ये जो आपका टी और एल एक कपल है, इनके टी का फादर आपका क्या हो जाएगा, जो पर्सन है वह द पर्सन हु लाइक किट कैट चॉकलेट इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द टी फादर। पहला एक इंफॉर्मेशन आपको पता चला, टी और एल तो आपका एक कपल और टी का ही फादर आपका कोई अब होगा, ठीक है, ये भी पता चला। और उसके बाद आपको एक इंफॉर्मेशन और दिया हुआ है, टीज फादर द पर्सन हु लाइक किट कैट चॉकलेट इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द टी फादर। टी फादर का जो भी पोजीशन आपका बनकर आएगा उसके इमीडिएट राइट के पोजीशन में आपका जो पर्सन बैठा होगा वह क्या होगा, इमीडिएट राइट किट कैट, राइट, ये आपको एक पोजीशन पता चला। अब देखिए आगे आपको जो बोला जा रहा है, एक छोटा सा बट करके लगा हुआ है, ये मेंशन किसके लिए है, बट इट इज नॉट एल, तो ये पर्सन आपको बोला जा रहा है जो किटकैट लाइक कर रहा है, द पर्सन हु लाइक किटकैट चॉकलेट इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी फादर बट इट इज नॉट एल, मतलब जो किटकैट लाइक कर रहा है वह एल नहीं होगा। अब देखिए एल का ये पोजीशन है पता चल गया आपको हेप्टागोनल टेबल पे, और वहीं पर आपको एक छोटा सा और चीज मेंशन कर देना है कि जो किटकैट लाइक कौन नहीं कर रहा होगा, एल लाइक नहीं कर रहा होगा। आगे प्रोसीड कीजिए, देखिए क्या बोला जा रहा है, जेड इज द एंड ग्रैंडसन। अब एन का कोई ग्रैंडसन है मतलब क्या, कहीं ना कहीं टॉप जनरेशन आप ले लेंगे, ठीक है। क्या बोला गया आपको, जेड इज द एंड ग्रैंडसन, मतलब क्या, एन को आप कहीं ना कहीं टॉप जनरेशन पे रखेंगे और फिर आपको बताया जा रहा है जेड के बारे में पोजीशन, तो जेड ग्रैंडसन आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। द पर्सन हु लाइक पर्क चॉकलेट इज सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक टेम्पटेशन चॉकलेट, मतलब क्या, टेम्पटेशन चॉकलेट आपका जो भी पोजीशन होने वाला है उसके क्या बोला गया आपको, टेम्पटेशन चॉकलेट में पर्सन हु लाइक पर्क चॉकलेट इज सेकेंड राइट, सेकेंड राइट पोजीशन दिया हुआ है, सेकेंड राइट में पर्क का पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला गया है, एल इज द सन इन लॉ ऑफ पी। अब जैसे आपने ये रिलेशन देखा आपको क्या पता चलना चाहिए कि पी का सन इन लॉ है, मतलब क्या, पी का जो भी पोजीशन बनेगा उसमें क्या, सन इन लॉ मतलब क्या, उसकी कोई डाउटर अब होगी और उसका हस्बैंड आपको जो मिल जाएगा वो सन इन लॉ हो जाएगा, और पी का सन इन लॉ कौन बताया गया था, द पर्सन हु लाइक एल इज द सन इन लॉ ऑफ पी, मतलब एल का पोजीशन ये बनकर आ जाएगा। तो लिटरली आप क्या बोल सकते हैं कि आपको एक और कपल मिल गया जो पी की डाउटर होगी और उसका जो हस्बैंड है मतलब एल, ये दोनों एक कपल हो जाएंगे। एक और कपल आपको मिला हुआ था टी और एल, अब जैसे ही आपने देखा आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि बिल्कुल टी और एल का पोर्शन यहां पर अब हो जाएगा, तो मतलब टी पी की डाउटर हो जाएगी, क्लियर। और फिर आपको बोला गया था पी का कोई सन भी है, तो कैसे रिलेट कर रहे हैं देख रहे हैं ना, मतलब पी का सन भी है, तो पी, जैसे आपको पता चला कि पी का आपको एक सन भी होगा, मतलब ये पोर्शन आप सन का बना सकते हैं, बिल्कुल इसको बाद में क्लियर करना है, एक हिंट्स के लिए आप सबको ये लिखते हुए चलना है, द पर्सन हु लाइक गैलेक्सी चॉकलेट इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक टेम्पटेशन चॉकलेट। देखिए टेम्पटेशन से आपको एक और इन्फॉर्मेशन पर्क से रिलेटेड दिया हुआ था, अब आपको क्या पता चला कि टेम्पटेशन चॉकलेट जो है उसके गैलेक्सी चॉकलेट का क्या इन्फॉर्मेशन है, हु लाइक गैलेक्सी चॉकलेट इज टू द इमीडिएट लेफ्ट, मतलब सेकेंड राइट का पोजिशन एक दिया हुआ था, एक आपको इमीडिएट लेफ्ट का पोजिशन चला, और ये आपका क्या, गैलेक्सी चॉकलेट है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए आगे आपको बोला जा रहा है के इज द टी सिस्टर इन लॉ, टी का पोजीशन आपने ये देखा और टी का सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का क्या मतलब हो गया, अब जो टी का ब्रदर होगा उसकी अगर वाइफ को बना दिया जाए पोजीशन
तो बिल्कुल यह क्या टी का सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, और टी का सिस्टर इन लॉ किसके बारे में बोला गया, के, मतलब के का पोर्शन यहां बना सकते हैं। एक फ्रेज हम लोग बिल्कुल बना लेंगे, अभी बस ऐसे इसको लिखते हुए चलना है। के इज द टी सिस्टर इन लॉ, ये भी क्लियर हो गया। सिस्टर इन लॉ का पोर्शन, द पर्सन हु लाइक स्नीकर चॉकलेट इज नॉट एडजेसेंट टू द पर्सन हु लाइक द टेम्पटेशन चॉकलेट, मतलब टेम्पटेशन और स्नाइकर आपका क्या एडजेसेंट नहीं होगा। क्यों ना एक छोटा सा पॉइंट जिसको बनाकर आप मेंशन कर लें। क्लियर हो गया इसको। अब देखिए आगे आपको बोला गया द पर्सन, एडजेसेंट वाली बात तो हो गई, टी हैज ओनली वन चाइल्ड, मतलब क्या टी के पास एक बताया गया चाइल्ड होगा। क्लियर हो गया, चाइल्ड बोला गया, जेंडर आपको बिल्कुल मालूम नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में। टी हैज ओनली वन चाइल्ड एंड ग्रैंडसन हु डज नॉट सिट इन दी हेप्टागोनल टेबल लाइक दी फेरेडो चॉकलेट। देखिए एन का ग्रैंडसन आपको मालूम है क्या, जेड होगा, ठीक है। एन का ग्रैंडसन आपको मालूम है जेड होगा, और यही बोला गया है जो पर्सन आपका जेड है वह क्या, जो ग्रैंडसन, देखिए इसके बारे में आपको जेंडर क्लियर नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि क्या होगा, लेकिन जेड के बारे में आपको जेंडर क्लियर है तो जो पर्सन आपका जेड होगा वो क्या होगा, उस हेप्टागोनल टेबल में बैठ नहीं रहा होगा, और इसी जेड के लिए आपको बोला गया है क्या, फेरेरो आपका चॉकलेट लाइक कर रहा है, ठीक है। लेट मी सी कि क्या आखिर इसका स्पेल है, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए आपको बोला जा रहा है कि जेड फादर डज नॉट लाइक स्नाइकर, मतलब जेड का जो फादर है वह लाइक नहीं कर रहा है स्नाइकर, चलिए जेड का फादर लाइक नहीं कर रहा है, सॉरी लेट मी रब दिस, जेड फादर डज नॉट लाइक स्नाइक, ठीक है। पी इज द फादर ऑफ द जेड, आपको पता चल गया कौन पी फादर है जेड का। अब देखिए पी से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन यहां पर अच्छा खासा दिया हुआ था, राइट, कि पी, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, पी इज द फादर ऑफ जेड फादर, मतलब जेड के फादर का फादर है पी, मतलब पी का पोर्शन यहां बनकर आएगा, राइट, ये पोर्शन पे नहीं होगा। ओके ओके ठीक है, तो पी आपका ये फादर के फादर, मतलब जेड के फादर का फादर पी हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर पी यहां पर होगा तो एन को आपको माइनस देना होगा, और एक कपल आपको ये भी पता चल गया यहां से, तो एक कपल आपको ये पी और एन वाला पता चला, एक टी और एल का पता चल गया, और रेस्ट आपका एक के का पोर्शन बचा हुआ था, ठीक है। आगे आपको क्या बोला जा रहा है, एस सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक डायरी मिल्क, मतलब क्या कि डायरी मिल्क का जो भी पोर्शन आपका बनकर आएगा उसके सेकंड लेफ्ट में आपका एस का पोर्शन बनकर आ जाएगा, डायरी मिल्क के सेकंड लेफ्ट पोर्शन पे आपका एस बनकर आएगा, राइट। ये इंफॉर्मेशन अभी तक जो आपको दिया हुआ था आपने क्लियर कर लिया। अब देखिए हम लोगों के पास थोड़ी जगह की कमी है, इसके कारण से मैं इसको एक रब कर दूंगा, क्योंकि देखिए आपको इंफॉर्मेशन ये तो पता चल गया कि पी और एन का आपका यहां पर स्पेस बनकर आएगा, ठीक है, पी और एन का एन आपका माइनस हो जाएगा, पी आपका प्लस, मतलब पी एक मेल मेंबर एन, एक एक मिनट अगर इसको पूरा रब कर दिया जाए तो क्यों ना यहां पर बिल्कुल अच्छे से बना दिया जाना चाहिए, राइट। अच्छा अब देखिए आपके पास क्या बोला गया था कि जो आपका सबसे टॉप पोजीशन पे वो होगा वो पी और एन का, पी आपका एक मेल मेंबर एन माइनस है, एक आपका पी का सन था, ठीक है, और दूसरा आपका क्या डाउटर निकल कर आ रहा था, और फिर वहीं पर आपका क्या सन इन लॉ था, तो सन इन लॉ आपका क्या एल था, एल सन इन लॉ, और टी आपका डाउटर था, रेस्ट आपका एक जो पी का सन बन रहा था वो आपको पता नहीं था, लेकिन आपको पता था टी का क्या सिस्टर इन लॉ के है, तो के माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और था, टी और एल का आपका कोई एक चाइल्ड है ये पता नहीं था आपको, जेंडर प्लस या माइनस, ठीक है। दूसरी बात आपको ये भी मालूम था कि जो पी का एक ग्रैंडसन है, ठीक है, पी का एक ग्रैंडसन है वह जेड है,
तो ग्रैंड सन आपका कौन सा पोजीशन पे, यहां पर बनकर आ जाएगा, और ये जेड आपका क्या एक ग्रैंड सन हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए दो पोजीशन आपको अभी तक क्लियर नहीं है, एक पी का सन कौन होगा और एक आपका टी का जो चाइल्ड बताया जा रहा था वो कौन होगा। और आपने क्या देखा कि अभी तक आपको एक यू का पोजीशन पता नहीं है और एक रस्ट एस का पोजीशन पता नहीं है, मतलब यू और एस आपका अननोन है, मतलब इन दोनों पोजीशन पर आप कहीं भी इसको रख सकते हैं। अब देखिए रिलेशन के थ्रू तो बहुत कुछ पता चल गया है। एक और क्वेश्चन बताया गया था एल से रिलेटेड कि एल आपका किटकैट लाइक नहीं कर रहा है, और टी का फादर, टी का फादर कौन है, टी का फादर आपको पता चला पी है, और पी का पोजीशन आपका कौन सा निकल कर आ रहा था दो जगह पर, और पी के बारे में रियल दिया हुआ आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, हाँ आपको जो इन्फॉर्मेशन है टी के फादर के इमीडिएट राइट में किटकैट का पोर्शन बना हुआ है। बिल्कुल इसको लॉजिकल वे में अब लेके चलना है। देखिए सारा का सारा कुछ आपने स्टेप्स तो लिख लिया, अब आपको बस इंप्लीमेंट करना है। और टी का फादर आपने क्या देखा पी है, और पी का पोर्शन अगर यह आप बनाते हैं तो पी का इमीडिएट राइट का पोर्शन कौन सा आपका एल बनकर आएगा, और एल के बारे में आपको दिया हुआ है किटकैट लाइक नहीं कर रहा, और यही तो पोर्शन आपका था टी के टी फादर इमीडिएट राइट में किटकैट का पोर्शन बन रहा है, तो मतलब आपका ये पोर्शन तो गलत बनकर आ जाएगा, मतलब पी आप यहां से नहीं कर सकते, तो पी को आपको कहां यहां रखना होगा, और फिर किटकैट का जब पोर्शन बनाते हैं तो वो सही बनेगा। तो लेट मी रफ दिस, मतलब पी एनी हाउ आपका यहां तो नहीं बन सकता, तो पी कहां बन सकता है, एक ही आपका पोर्शन बना। चलिए पी आपने क्लियर कर लिया, तो पी के इमीडिएट राइट में किटकैट का पोर्शन बना, चलिए किटकैट हो गया क्लियर। अब देखिए पी और एन के कारण आपको पोजीशन क्लियर नहीं हो रहा था, पी और एन का भी पोजीशन क्लियर हो गया। अब आगे देखिए क्या क्या बोला गया आपको। एक जो हम लोगों ने इंफॉर्मेशन लिखा हुआ था एल से रिलेटेड, देखिए स्टार्टिंग में कि एल और जेड फादर, जेड का फादर अभी अब आपको अननोन है, लेकिन एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जेड फादर और एल के बीच में जो भी पर्सन होंगे वही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या एल और के के बीच में होगा, और के बारे में आपको बताया गया था कैंडी लाइक कर रहा है, और यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। देखिए अब जब आपके पास ये एल और जेड फादर का इंफॉर्मेशन दो दो आपको दिया हुआ था एल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो गया, जब आप जा रहे हैं क्या अपने राइट हैंड साइड डायरेक्शन पे, सॉरी अपने लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन पे, मतलब ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। एल और जेड फादर, जेड फादर एन तो नहीं हो सकता, मतलब क्या जेड फादर अगर आप यहां रखते हैं तो एक का गैप है, तो उसी तरीके से एल और कैंडी मतलब के, तो एल और कैंडी के, कैंडी तो अवेलेबल नहीं है, मतलब क्या ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है किटकैट के कारण, तो कैंडी नहीं हो सकता, तो ये पोजीशन आपका गलत होकर आ जाएगा। तो अगर इससे आगे आप प्रोसीड करते हैं दो स्पेस ले लेते हैं एल और जेड फादर के बीच में, तो देखिए इस साइड से भी आपको दो पोजीशन लेने से आपका ये पोजीशन आपका बन रहा है, तो क्यों ना जेड फादर का पोजीशन आपका यहां बनना चाहिए, और रेस्ट आपका बोला गया था एल और कैंडी मतलब के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, इस साइड भी आप दो प्लेस ले लीजिए, तो कैंडी और के आपका यहां बनकर आ जाएगा, और रेस्ट आपका कैंडी ये चॉकलेट यहां हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आगे देखिए इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, के इमीडिएट राइट में पी सन है, के इमीडिएट राइट, इमीडिएट राइट का पोर्शन ये हो जाएगा, और ये देखिए पी का सन बनकर आ रहा है, मतलब जेड का फादर क्या पी का सन, ये इंफॉर्मेशन बाद में इंप्लीमेंट किया जाना है। टी के फादर के इमीडिएट राइट में किटकैट, टी का फादर कौन है, टी का फादर पी है, और पी के इमीडिएट राइट में किटकैट, ये पोर्शन भी आपका बन रहा है, किटकैट एल नहीं है। ठीक है, टेम्पटेशन के सेकेंड राइट में पर का चॉकलेट, पर का आपका पोर्शन बन रहा है, और फिर टेम्पटेशन के इमीडिएट लेफ्ट में गैलेक्सी का पोर्शन बन रहा है, ये भी क्लियर है। अब देखिए आपके पास दो ही पोर्शन यहां पर बनकर आ रहा है, अगर टेम्पटेशन को क्लियर कर दिया जाए तो आपके पास सही में कहीं ना कहीं पोर्शन क्लियर हो जाए। रेस्ट आपको एक और इंफॉर्मेशन है, क्या जेड का फादर जो है वह स्नाइकर लाइक नहीं कर रहा है, और जब स्नाइकर यहां पर आपका जेड के फादर के पोर्शन पर स्नीकर नहीं हो सकता, मतलब आप इसको कट कर दीजिए, इस जगह पे स्नीकर नहीं हो सकता है, तो यहां भी नहीं होगा और यहां पर भी नहीं होगा, रेस्ट आपके पास क्या यहां पर बचकर आ जाता है। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि टेम्पटेशन कहां हो सकता है, अगर टेम्पटेशन आपने यहां लिया
तो क्या बोला गया था सेकंड राइट में पर्क? बिल्कुल नहीं, पर्क का पोजीशन बनेगा। टेम्पटेशन अगर आपने यहां लिया तो भी आपका सेकंड राइट पोजीशन में पर्क नहीं बन सकता, तो मतलब ये दोनों पोजीशन तो आपका टेम्पटेशन के लिए नहीं हो सकता। अगर टेम्पटेशन आपने यहां लिया तो सेकंड राइट पोजीशन पे आपका पर्क तो बन सकता है, और टेम्पटेशन के फिर इमीडिएट लेफ्ट में गैलेक्सी का भी पोजीशन बन सकता है। अगर आपने टेम्पटेशन यहां लिया तो भी सेकंड पोजीशन पे बनेगा और गैलेक्सी का पोजीशन यहां बनकर आ जाएगा। लेकिन आपके पास दो ही टोटल ऐसा प्लेस निकल कर आ रहा है जहां पर आपका टेम्पटेशन हो सकता है, ठीक है? तो आप क्या बोल सकते हैं कि यह तो यहां हो जाएगा या तो टेम्पटेशन यहां हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप टेम्पटेशन यहां लेते तो आपका राइट का पोर्शन तो बन जाएगा, लेकिन लेफ्ट में आपका जो गैलेक्सी का पोर्शन बनना चाहिए था वो नहीं होगा, ठीक है? तो अब आपको चेक करना है, अगर टेम्पटेशन सपोज आपने ये प्लेस को ले लिया टेम्पटेशन, ठीक है, अगर टेम्पटेशन आपने ये लिया तो सेकेंड राइट पोर्शन में आपका तो ये पर्क बनकर आ रहा है और इमीडिएट लेफ्ट में आपका गैलेक्सी बनकर आ रहा है। लेकिन अगर टेम्पटेशन आपने यहां लिया तो देखिए सेकंड राइट पोजीशन में आपका यहां पर क्या बनकर आ जाएगा, पर्क बनकर आ जाएगा और इमीडिएट लेफ्ट में गैलेक्सी बनकर आ जाएगा। लेकिन फिर आपको बताया गया था कि टेम्पटेशन और स्नीकर क्या एक दूसरे का एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, मतलब इन दोनों प्लेसेस पर आपका क्या स्नीकर नहीं होना चाहिए, राइट? तो आपको क्या पता है कि स्नीकर आपका ऐसे भी जेड फादर पर तो स्नीकर होगा नहीं। और एक क्वेश्चन फिर आपको पी को चेक करना था, और पी आपका ऑलरेडी क्या आपने पर्क दे रखा है, तो ये प्लेस तो आपका ऐसे भी गलत हो जाना है। तो टेम्पटेशन यहां से तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं होगा, तो लेट मी रब दिस कि टेम्पटेशन यहां पर कभी नहीं हो सकता। तो एक ही प्लेस आपके पास बचकर आ रहा है टेम्पटेशन के लिए, चलिए इसको क्लियर कर लीजिए। टेम्पटेशन आपका ओके, टेम्पटेशन आपका बिल्कुल क्लियर हो गया क्या, ये प्लेस होकर आ जाएगा। ओके, टेम्पटेशन के सेकंड राइट पोजीशन में आपका पर्क बनकर आ जाएगा, सेकंड राइट पोजीशन आपका पर्क यहां, और इमीडिएट लेफ्ट में आपका क्या गैलेक्सी बनकर आ जाएगा, तो मतलब जेड फादर गैलेक्सी हो जाएगा। रेस्ट आपका स्नाइकर जो था वो क्या टेम्पटेशन का एडजेसेंट नहीं है, लेकिन और जो आपका पी का पोजीशन बचा हुआ यहां तो हो सकता है स्नाइकर, तो बिल्कुल आपने क्या यहां पर रख लिया, ठीक है? ये क्लियर हो गया। अब आपके पास देखिए पर्क हो गया है, किटकैट कैंडी गैलेक्सी टेम्पटेशन, तो रेस्ट आपके पास क्या एक बचा हुआ, और एक आपने क्या देखा कि डायरी मिल्क आपका अभी तक बचा हुआ है, तो डायरी मिल्क आपका ये पोर्शन पर बनकर आ जाएगा। ओके, ये डायरी मिल्क आपका हो गया। अब देखिए आपका जो बचा हुआ था क्या कुछ फैमिली मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स का क्या हो सकता है पोर्शन, किस जगह पर हो सकता है? डायरी मिल्क के सेकेंड लेफ्ट का पोर्शन आपका एस का बनेगा, तो डायरी मिल्क का सेकेंड लेफ्ट का पोर्शन आपका क्या जेड फादर का बन रहा है, मतलब अब आपको एस का पोर्शन पता चल गया कि एस पोर्शन आप यहां देंगे जो जेड का फादर है। रेस्ट आपका एक बच रहा था यू, तो यू ऑब्वियस सी बात है कि टी का जो चाइल्ड था वहां पर आप दे देंगे, क्लियर है? तो यू का पोर्शन आप यहां पर कहां रखेंगे आपको ये सोचना है। आपने क्या देखा कि N ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, L ऑक्यूपाइड है, P है, तो U का पोर्शन या तो टेम्पटेशन या तो किटकैट पे आ सकता है, तो क्यों ना हम इसको यहां पर रख दें या फिर यहां पर रख दें। रेस्ट आपका क्या एक और बच रहा है, P और N आपका क्लियर है, K और S आपका KS भी क्लियर है, T और L आपने क्या देखा कि T आपका अभी तक कहीं नहीं हुआ है क्लियर, तो क्यों ना T का पोजीशन भी ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। रेस्ट आपने जो भी इंफॉर्मेशन देखा उसके अकॉर्डिंग तो आपको कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि T और U डिफाइन किया गया किस पोजीशन पर होगा। आपका एक बोला गया था कि जो Z बचेगा वो इस हेप्टागोनल टेबल पे नहीं होगा, तो अगर आपको इसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस पूछा जाता है आप वहां पर आंसर करेंगे। और अभी तक जो भी आपने देखा इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया और उसके अकॉर्डिंग जो आपका हेप्टागोनल टेबल बना उसका अरेंजमेंट आपका कुछ ऐसा निकला। तो आई होप कि आपको ये ब्लड रिलेशन और ये मेमोरी बेस जो आपका आरआरबी पीओ में पूछा गया था वो आपको क्लियर होगा, और मुझे यह भी उम्मीद है कि आप सबने जो बनाया होगा बहुत कम टाइम में बनाया होगा, और डेफिनेटली ब्लड रिलेशन के प्रॉब्लम से थोड़ा बहुत सबको ही भागते हैं आप सब, लेकिन आप सबको भागना नहीं है क्योंकि ब्लड रिलेशन के प्रॉब्लम को आपने देखा आईबीपीएस क्लर्क में भी पूछा गया था,
तो आप सबको स्कोर करना है। एक स्कोरिंग पॉइंट होता है, एक स्कोरिंग पजल होता है, राइट। अगर आप इसको अटेम्प्ट लेते हैं तो बिल्कुल आपका बनता है। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा बिल्कुल। सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल टू गेट easily updates of any upcoming videos. And if you learn something from today's discussion, then do not forget to hit the like button and do share this video with your friends as well as family members. So keep on practicing, and we are going to meet again with some interesting or some important type of puzzle.